वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स फैंटेसी चैनल फैंटेसी क्रिकबॉल इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स थर्ड T20 मैच गाइस जो कि खेला जाने वाला है 11 जुलाई को रात में 11 बजे। ये मुकाबला सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला न्यूजीलैंड के लिहाज से करो या मरो वाला मैच है गाइस, क्योंकि न्यूजीलैंड वुमेन इस 5 T20 मैचों की सीरीज में से ऑलरेडी पहले 2 मुकाबले इंग्लैंड वुमेन्स जीत चुकी है। ये मैच डिसाइडिंग मैच है, अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन्स हार जाती है तो सीरीज हार जाने वाली है। तो यहां पर मुझे लगता है न्यूजीलैंड वुमेन्स अपना 200% देगी और जरूर चाहेगी इस मैच में बाजी मारना। गाइस देखो, जीतना हारना तो हमें बाद में पता चलता है, लेकिन जो लगातार विनिंग करा रही फैंटेसी क्रिकबॉल की टीम ने पूरे टेलीग्राम पे तहलका मचा दिया, उसी तरीके से इस मैच में भी आपको विनिंग कराने का वादा है हमारा। गाइस कल के मैच में हमारी बैक टू बैक विनिंग आई थी, लगातार लंका प्रीमियर लीग का अभी तक एक भी मैच हमारा लॉस नहीं किया है। इंडिया जिम्बाब्वे का कल का मैच जैकपॉट दिया था आपको, जहां पर ऋतुराज गायकवाड को कोई नहीं लेके आया था, हमने लाके दिया और वहां क्लीन स्वीप। सबका वीसी रवि बिश्नोई जिसने पॉइंट नहीं दिया, और अपना वीसी यशस्वी और ऑप्शन भी जो मैंने आपको दिया था रजा का दिया था, आपको शुभमन गिल का दिया था, सारे आवेश खान का दिया था, सारे ही बेस्ट प्लेयर थे। वैसे ही एनालिसिस इस मैच में भी करने वाली है, और विमेंस का मैच मतलब कि फैंटेसी क्रिक बॉल, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपको दोनों टीमों में जो कुछ प्लेयर को लेके कंफ्यूजन होने वाला है, तो जहाँ एक तरफ देखने को मिलेंगी डेनी वार्ड, मैया बाउसर, इसके अलावा हैदर नाइट, तो दूसरी तरफ होने वाली है सूजी बेट्स, बात करेंगे इजी गेस की, मैडी ग्रीन, हॉलीडे, बहुत सारे प्लेयर होने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर हम बात की जाए तो जहां एक तरफ होंगी सोफी डिवाइन अमेलिया कर, तो दूसरी तरफ होने वाली है नैटली साइवर, एलिस कैप्सी जैसी प्लेयर। और ऑलराउंडर में अगर हम यहां पर जाएंगे तो वहां पर आपके इतने सारे कॉम्बिनेशन के अलावा गेंदबाजी में और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहां एक लेस्टन और सी डीन होंगी, तो दूसरी तरफ हनारो जेक कर, और लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों मैच में ली तहू की तरफ से देखने को मिला था। इन सारी प्लेयर में से हमारी प्लेइंग 11 कौन होने वाली है, और इस मैच में सीवीसी किसको करके जाना है, स्मॉल लीग की सीवीसी कौन होगी, ग्रैंड लीग की सीवीसी कौन होने वाली है, ये सारी बातों के साथ साथ इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स ग्रैंड लीग टीम क्या बनेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे गाइस, वेन्यू स्टैट्स की बात करेंगे कि कैंटरबरी पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, कैसी वेन्यू होगी, बॉलिंग बैटिंग किसको फेवर करती हुई नजर आएगी, कुछ मैच देखेंगे जो रिसेंटली यहां खेले गए, इसके अलावा सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस, किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगा, कौन कितने ओवर डालेगा, और ग्रैंड लीग पिक इस मैच की, ठीक है। इसके साथ ही साथ टीम भी आपको दूंगी और गिव अवे भी मिलेगा आपको। मैं 2 इजी क्वेश्चन वीडियो में पूछूंगी, दोनों क्वेश्चन का जवाब अगर आप सबसे पहले सबसे सही देते हो तो आप डेली गिव अवे जीत सकते हो। और हमारी विनिंग अगर आपको देखनी है कि कितनी विनिंग हम करा रहे हैं, वो सारी विनिंग आप टेलीग्राम पर जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, पहले जाके चेक करके आओ। अगर आपको लगेगा मेरी बात में सच्चाई, आप मेरी टीम के साथ खेल के जीत सकते थे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यहां बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स हेड टू हेड। 35 मैच आमने सामने दोनों टीमों ने खेला है, जिसमें से 29 मैच एक तरफा जीता है इंग्लैंड वुमेन्स ने, हमेशा से भारी रही है। क्या ये तीसरा मैच, थर्ड T20 मैच यहाँ जीतेगी न्यूजीलैंड वुमेन्स, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लास्ट मैच जो खेला गया था DLS मैथड से, इंग्लैंड वुमेन्स ने इस मैच को 23 रनों से जीता था, वहां पर बाउशन ने 30+ की पारी खेली थी, कैप्सी ने 28 मारा था, इसके अलावा सी डीन को 2 विकेट मिली थी, लॉरेन वेरा और एक्लेस्टन को 1-1 विकेटें मिली थी। न्यूजीलैंड वुमेन्स की तरफ से ऑलमोस्ट सारे प्लेयर, आपके बैटर्स सारे फ्लॉप थे, लेकिन बॉलिंग सेक्शन से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। ली तहू को 2 विकेट आई थी, कर को 2 विकेट आई थी, और हनारो को 1 विकेट आई थी। इससे पहले वाला फर्स्ट T20 मैच देखेंगे जिसको कि इंग्लैंड वुमेन्स ने 59 रनों के अंतर से फोर्स बैटिंग करते हुए जीता था। यहां पर डेनी वार्ड जिन्होंने 76 मारा था और सेकेंड मैच में 0 पे गई थी, इस मैच की ट्रंप प्लेयर हो सकती है। इसके अलावा यहां साइबर ब्रेंड की बात करेंगे 47, बाउशन ने यहां 32 मारा था, सारा ग्लेन 3 विकेट मिला था यहां पर, डीन को 2 विकेट और एक्लेस्टन को 1 विकेट। एक्लेस्टन इतनी सेफ प्लेयर है ना, और अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग आती है, एक्लेस्टन को कैप्टन बना के जाना, इस मैच को आप एक तरफा जीतोगे। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड वुमेन्स की तरफ से देखें, सूजी बेट्स ने 43, जे कर ने 38 मारा था, इसके अलावा ली तो 2 विकेट, कार्सन को 1 विकेट मिली थी। तो कुछ प्लेयर आप देख सकते हो आमने सामने जो कॉमन प्लेयर हैं, जो हमेशा एक दूसरे के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और इस मैच में भी दे सकते हैं गाइस। लेकिन जो हमारी फाइनल टीम आती है ना, वो टॉस के बाद आती है, जब लाइनअप पता होता है कि दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 क्या है, कौन सी टीम पहले जीतेगी,
करेगी टॉस और बॉलिंग करेगी बैटिंग करेगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंग्लैंड में अगर पहले बॉलिंग आती है तो वहां पर कैप्टेंसी का पहला ऑप्शन एक लिस्टन बन जाती है, लेकिन अगर वहीं पर अगर इंग्लैंड पहले अगर बैटिंग आती है तो हमारे पास साइबर ब्रांड उनसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग का मौका उनको जरूर मिलेगा, सेकेंड डाउन आऊंगी। इसके अलावा आपको गेंदबाजी से भी पॉइंट दे सकती, तीन ओवर तो मिनिमम कराने ही वाली है। तो गाइस ये बात होती है टॉस के बाद चीजें थोड़ी बदलती है, तो उस फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। और लगातार मैं बता रही हूँ आज का TNPL वाला मैच भी अगर आपके डिमांड पे मैं कवर करके दे दूंगी, लेकिन लंका प्रीमियर लीग का हमारा जैकपॉट जा रहा है गाइस, इंडिया जिम्बाब्वे हमारा जैकपॉट जा रहा है सारा मैच, और विमेंस के मैच हमेशा से हमने आपको मैक्सिमम मैच में जिताया ही है। ठीक है, आज का मैच आप देख ही लोगे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आपकी सहूलियत के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। गाइस देखो डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, तो जो लोग चैनल में नए आए हैं पहले ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर का, जब आप मोर पे क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर दिखेगा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे क्लिक कर देना है, फोन में फैंटेसी क्रिक बॉल ओपन हो जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जुड़ चुके हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे गाइस, भरोसा दिखाया है इस 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल में हमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। तो ये बात सिर्फ हमारे काम को से है कि हमने ऐसा काम करके दिया है, बाकी आपका प्यार हमेशा मिला है, फ्री में टीम मिलती है गाइस, पैसा नहीं लिया जाता आपसे एक भी, आप एज अ सजेशन हमारी टीम देख सकते हो, और अगर आपको फैंटेसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी टेलीग्राम पे कर सकते हो, तो फटाफट जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है। चलिए गाइस आगे बात करेंगे कैंटरबरी पिच रिपोर्ट, इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स थर्ड T20 की पिच रिपोर्ट क्या होगी। तो बैटिंग पिच है जहां पर वैसे थोड़ी न्यूट्रल है, अगर हम बात करेंगे गेंदबाजी के लिए यहाँ पर पेसर स्पिनर दोनों को मदद होती है। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 137 है, सेकंड इनिंग में 104 है, हाईएस्ट की बात करेंगे तो इंग्लैंड वुमेन्स ने ही बनाया 137 पे 5 विकेट है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया वुमेन्स की तरफ से बनाया गया 104 पे 8 विकेट है। बात करेंगे टोटल गाइस, एक ही मैच अभी तक यहाँ खेला गया है जिसको फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीत लिया था, जिसमें स्कोर बना था 150 से नीचे का। पेसर स्पिनर जैसे मैंने बताया कि दोनों को ही मदद है गाइस, देखो ज्यादा मैच खेला नहीं गया है, एक ही मैच खेला गया था वो भी 2012 का मैच है, मतलब आप बहुत साल पहले की बात है, अभी कहानी कुछ और होगी, और उस फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पे मैं आपको वो भी बता दूंगी कि पेसर स्पिनर किसको मदद मिल सकती है, बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, वो मैं टॉस के बाद आपको बता दूंगी। तो ये वाला मैच जो 2012 में खेला गया था वहां पर आप देख सकते हो इंग्लैंड मैच जीत गई थी, वहां पर विकेटें गिरी थी यहां पर 13, जिसमें से 6 विकेट पेसर ने लिया था और 6 विकेट आपके स्पिनर ने भी लिया था, तो दोनों को ही मदद था, और इस मैच में भी आपके पेसर स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गाइस देखो ये इंपॉर्टेंट मैच है, तो ये मैच फैंटेसी में कहां खेलना है वो तो मैं आपको बता ही देती हूं, लेकिन अगर फैंटेसी में हो रहा है लॉस और करना है लॉस रिकवर वो भी रिस्क फ्री, तो डाउनलोड कर लेना है तुरंत Exchange 22। मैंने तो खेलना शुरू कर दिया Exchange 22 पे, और मेरे साथ भी बहुत लोगों ने खेलना शुरू कर दिया, जब आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पिक मांगते हो ना कि आज की हमारी पिक क्या रहने वाली है, तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो Exchange 22 पे खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेफ लीगल और ट्रस्टेड ऐप है जहां पर आप अपने सारे लॉस रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप देखो यहां पर इंस्टेंट विड्रॉल आपको मिलता है, यहां पर कोई भी TDS और GST नहीं लगने वाली है, साइन अप करते ही आपको 50 रुपीज का बोनस मिलता है, जब आप अपनी KYC कंप्लीट करते हो तो 100 रुपीज रियल कैश आपको मिलेगा जिससे आप अपने पिक यहां कर सकते हो। और यहां सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपको कोई प्लेइंग 11 नहीं बनानी है, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्लेयर्स को पिक करना है, जो भी प्लेयर हम अपनी एनालिसिस जो आगे देंगे अभी प्लेयर्स के बारे में, जो भी प्लेयर आपको लगता है इस मैच में चलने वाली है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है गाइस उसके हिसाब से आपको उसको बाई करना होता है, और जो प्लेयर आपको लगता है कि नहीं चलने वाली है आप उसको सेल भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप काफ़ी ईजिली एक प्लेयर पर पैसा बना सकते हो गाइस, एक प्लेयर का गेम है और बहुत आसान है, तो फटाफट डाउनलोड कर लो और खेलना शुरू कर दो, हमारा कोड क्रिक बॉल यूज जरूर करना ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे फैमिली से हमारे साथ खेलते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी जल्दी जाके Exchange 22 डाउनलोड कर लेना है गाइस, और हर दिन हर मैच की मैं Exchange 22 की पिक भी आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद दे देती हूँ कि मैं किस किस प्लेयर को आज मैं परचेस किया है, तो आप जाओ फटाफट सब लोग डाउनलोड कर लो। बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11, उससे पहले यहाँ गिव अवे विनर हमारे आ गए हैं लास्ट कुछ मैच के, हाँ ये पेंडिंग रह गया था लास्ट हमारे 2-3 मैच के, तो जो हमारा इंडिया का सेकेंड T20 मैच था आप देख सकते हो वहाँ पर ये फर्स्ट कमेंट किया था, यहाँ पर अभय ने किया था नॉलेजेबल, और यहाँ आदित्य ने बेस्ट कमेंट किया है, और जो जिसने सबसे सही आंसर दिया आई एम गुरु,
और हमारा एक मैच है, ये मैच है लंका प्रीमियर लीग का 11वां मैच, जिसमें मिस्टर एजुकेशन ने सही आंसर किया था सबसे पहले। और यहाँ पर इंडिया और जिम्बाब्वे थर्ड T20 फर्स्ट को यहाँ पर फर्स्ट कमेंट किया है विवेक पाल ने। इसके अलावा नीरज कुमार ने किया है बेस्ट कमेंट, और मिस्टर एजुकेशन ने यहाँ पर भी सही आंसर सबसे पहले दिया है। गाइस देखो, सही आंसर बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो सबसे पहले सही आंसर देता है विनर वही बनता है, आप सबको पता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके जिसके नाम यहाँ आए हुए हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, मुझे मैसेज कर देना अपने अपने कमेंट को एडिट करते हुए, ताकि आपके प्राइज आपको मिल सके। ठीक है, तो जाओ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बात करने वाले हैं हम अब दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले इंग्लैंड वुमेन्स की प्लेइंग 11, इंग्लैंड चैंपियन टीम है गाइज इस सीरीज में देखो, और इससे पहले ओडीआई में भी चैंपियन है। तो यहाँ पर ओपन करने आएंगी डेनी वॉट, उनका साथ देते हुए दिखेंगी मैया बाउशर, वन डाउन एलिस कैप्सी, बैक टू बैक नाइटली साइवर, हेदर नाइट, एमी जोन्स, डी गैप्सन, यहाँ पर सोफिया क्लेस्टन, सी डीन, सारा गेन एंड लॉरेन बेल। गजब की प्लेइंग 11 यार। अगर मैं बताऊँ गिब्सन इतना नीचे आती है नहीं तो ये भी ताबड़तोड़ प्लेयर है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पर अब गाइस देखो, अगर ये टीम पहले बॉलिंग आएगी तो सारे बॉलर को सीधे सीधे भर लेना है, किसी को भी हम यहाँ छोड़ नहीं सकते। इंग्लैंड की बॉलिंग जबरदस्त है, ठीक है। इवन आपको बताऊँ यहाँ पर मैया बाउशर बहुत ही सेफ प्लेयर हैं बैटिंग के लिए, कैप्सी सेफ है, डैनी वॉट भी फर्स्ट बैटिंग में सेफ है, सेकंड बैटिंग में ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये कुछ 7 प्लेयर हैं जो इंग्लैंड मेंस की तरफ से आपको कंफर्म लेके आना है। अगर आप इंग्लैंड को वन साइडेड विनिंग करा रहे हो तो यहाँ पर आप कैप्सी को भी लेके आ जाना, ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रैंड लीग पिक में गिब्सन मेरी ग्रैंड लीग पिक है और कैप्सी मेरी ग्रैंड लीग पिक है, ये 2 पिक मेरे ग्रैंड लीग की है जिनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे गाइस इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, जिसके बेसिस पे आप काफ़ी इजिली डिसाइड कर सकते हो कि किस किस प्लेयर को अपनी टीम में रखना है और किसको सीधे सीधे ड्रॉप करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो। बात करेंगे डेनी वॉट, राइट हैंडेड बैटिंग, यहाँ पर 34-2 मैच में बैटिंग है, 76 लास्ट मैच मैंने बताया था ना 0 पे गई थी। इस मैच में अच्छी पारी डेनी वॉट की तरफ से आ सकती है, फर्स्ट बैटिंग में कन्फर्म लेना है, सेकेंड बैटिंग में रिस्क लिया जा सकता है। बाउशर की बात करेंगे, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, 67, 100, 19, 32, 23 पांचों मैच में आप देखो परफॉर्मेंस आई है, कंप्लीटली फ्लॉप एक भी मैच में नहीं है ये प्लेयर, और अच्छी खिलाड़ी है, टिक के खेलना जानती है। एलिस कैप्सी राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 39 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 35 रन 0 विकेट, यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं किया, लास्ट मैच बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग से 28 रन दिया था। साइवर ब्रंट राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 1 विकेट, 0 विकेट, 76 रन 0 विकेट, 47 रन 0 विकेट, लास्ट मैच 11 रन 1 विकेट लेके गई थी। हैदर नाइट राइट हैंडेड बैटिंग करती है, 9-9-9, 4-15, देखो बैटिंग नीचे आती है, मौका कम मिलता है, इस वजह से ये परफॉर्मेंस है, नहीं तो खिलाड़ी ये भी जबरदस्त है, ताबड़तोड़ बैटिंग करना आता है। एमी जोन्स राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग, एक मैच में 50 रन मारा है, बाकी देखो लास्ट मैच 4 रन बने थे, किसी मैच में मौका नहीं मिलता है, बैटिंग बहुत नीचे आती है, लेकिन विकेट कीपिंग से ये अपना काम करके जाती है, 25-30 पॉइंट हर मैच में दे के जाती है। गिब्सन की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग, 13 रन 1 विकेट, 40 रन 1 विकेट, 0 यहाँ पर, 15 रन 1 विकेट, लास्ट मैच 0, बॉलिंग नहीं करेंगी, ये वजह भी है कि गिब्सन को साथ हम नहीं जाएंगे, नहीं तो सेफ प्लेयर हो जाती, जीएल में ट्राई किया जा सकता है। एक्लेस्टन जो कि फिक्स प्लेयर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, हर एक मैच में एक्लेस्टन को विकेट मिलती है। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग आएगी, एक्लेस्टन को कैप्टन आग बंद करके बना देना है। सी डीन की बात करेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, सारा गेन, राइट आर्म लेग स्पिन, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है, 2 विकेट ग्लेन को इस मैच में जरूर मिलेगी। लॉरेन बेल की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। आप एक्स्ट्रा प्लेयर के भी स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि वेरी लेस चांसेस टू एनी चेंजेस। अब गाइस यहां से आपके फिक्स प्लेयर कौन से रहेंगे, तो डेनी वॉट को फिक्स लेके चलो, बाउशर को फिक्स लेके चलो, साइवर को फिक्स लेके चलो, इसके अलावा ये चारों जो बॉलर है ना इनको भी फिक्स लेके चलो। कैप्सी के साथ कैप्सी को भी लिया जाए, अगर आप 8 प्लेयर को लेने को तैयार हो इंग्लैंड से तो कैप्सी को भी फिक्स ले लेना। तो ये प्लेयर है जिनके साथ हम फिक्स जाने वाले, टॉप ऑर्डर को नहीं छोड़ेंगे हम, और बॉलिंग में सारे ऑप्शन लेके चलेंगे यहाँ, क्योंकि देखो किसी भी बॉलर को 3 से 4 विकेट मिल जाएगी, और अगर उसी बॉलर को आपने नहीं लिया
हुआ था, बहुत लोगों के साथ हुआ था उस वाले मैच में। ओडीआई मुझे अभी भी याद है, लॉरेन फिलर वाला मैच था, बहुत लोग ड्रॉप करके आए थे, 4 से 5 विकेट लेके गई थी। ऐसा ही हो सकता है इस मैच में भी। तो ये कुछ पिक है यहाँ पर जिनके साथ मैं कंफर्म जाने वाली हूँ। इंग्लैंड में इसकी अगर बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो गाइस पावर प्ले में बॉल डालेंगी लॉरेन बेल, डेनियल गिब्सन, नेटली साइबरबर्न, सोफी एक्लेस्टन, मिडिल ओवर में सी डीन, सोफी एक्लेस्टन, सारा गेन, एलिस कैप्सी और नेटली साइबरबर्न। डेफ में बॉल डालेंगी सी डीन, साइबरबर्न, एक्लेस्टन एंड लॉरेन बेल। एलिस कैप्सी के 1 से 2 ओवर, साथ ही साथ 1 डाउन बैटिंग, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सारा ग्लेन के 4 ओवर और बहुत ही, मतलब अगर मैं बताऊं, विकेट टेकर बॉलर है। लास्ट मैच विकेट मिली नहीं, इस मैच में 1-2 विकेट कंफर्म लेके जाएंगी। सी डीन इस पूरे सीरीज की, मतलब आप देखोगे ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही हैं। ओडीआई में भी कर रही थी, यहाँ भी कर रही हैं। लॉरेन बेल के 4 ओवर पूरे और साथ ही साथ आपके डेफ में बॉल करेंगी। गिब्सन को ग्रैंड लीग में रोटेट करके ट्राई किया जा सकता है, स्मॉल लीग में शायद जगह ना बने। साइबरब्रांड यहाँ पर 2 से 3 ओवर फिक्स प्लेयर है। इसके साथ ही सेकेंड डाउन बैटिंग, एक्लेस्टन फर्स्ट बॉलिंग में आपको सीवीसी करके जाना है, और अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो फिर साइबरब्रांड से बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कोई नहीं रहने वाला। स्क्रीनशॉट ले लो गाइज यहाँ पर से। आगे बात हम करने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो न्यूजीलैंड वुमेन्स की तरफ से अगर हम बात करेंगे, ओपन आएंगी सूजी बेस, उनका साथ देते हुए दिखेंगी सोफी डिवाइन, 1 डाउन आएंगी अमेलिया कर, बैक टू बैक ब्रुक हॉलीडे, मैडी ग्रीन, जॉर्जिया प्लीमर, जेस कर, इजी गेस, हनारो, ली तहू और यहाँ पर एल कस्परक। तो ये होगी न्यूजीलैंड वुमेन्स की प्लेइंग 11, हमारी कीवी खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 है। अब गाइस इनमें से फिक्स प्लेयर कौन से, देखो सबसे इस पूरे टीम की जो मुझे सबसे गजब की प्लेयर लगती है ना, अगर दोनों टीम को भी मिला के मैं बताऊँ ना, ये प्लेयर बहुत गजब की, अमेलिया कर। बहुत 4 ओवर पूरे कराएंगी, 1 डाउन बैटिंग आएंगी, बैटिंग से भी पॉइंट देंगी, गेंदबाजी से भी पॉइंट देंगी। लास्ट मैच भी विकेट लेके गई थी, बैटिंग भी अच्छी कर सकती हैं। सीवीसी का ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होती है, टीम हारे जीते अमेलिया कर पॉइंट देके जाएंगी। सोफी डिवाइन फिक्स प्लेयर है, सोफी डिवाइन हर, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दो ओवर तो मिनिमम डालेंगी, बैटिंग ओपन आएंगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर ली तहू, दोनों मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, विकेट निकाल के दोनों मैचों में दिया है, टीम हारी है लेकिन इन्होंने अपना काम किया, इसलिए ये मेरी फिक्स प्लेयर है। हना रो के साथ आप जा सकते हो, बॉलिंग से नहीं पता लेकिन बैटिंग से ये खिलाड़ी पॉइंट दे सकती है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। या तो आप हनारो को अपने टीम में ले लो, या तो हॉलिडे को ले लो, या फिर सूजी बेस, ये 3 ऑप्शन रोटेट प्लेयर में हो सकते हैं। आप जीएल में भी ट्राई कर सकते हो, इन 3 में से कोई एक कंफर्म आपको अच्छा पिक यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर देने वाला है। फैंटेसी पॉइंट की हम बात करते हैं, हम एफपीएस की बात करते हैं प्लेयर की, तो एफपीएस काफी हाई रहता है हमेशा इन प्लेयर्स का। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स की, जहां पर आप देख भी सकते हो कि किस तरह का फैंटेसी पॉइंट ये देते आ रही है रिसेंटली। सबसे पहले सूजी बेस की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, 16-5, 24-43-4, लास्ट मैच जल्दी आउट हुई थी, खिलाड़ी एक्सपीरियंस है, इस मैच में अच्छा पॉइंट दे सकती हैं आपको। सोफी डिवाइन राइट हैंडेड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग, 13 रन 0 विकेट 28 रन 0 विकेट 43 रन 0 विकेट 0 विकेट, आखिरी 5 के 5 मैच में सोफी डिवाइन को विकेट नहीं मिली है, रन भी नहीं आ रहे बल्ले से, खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस है। ये मैच इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैच में बड़े खिलाड़ी पॉइंट देते हैं, तो सोफी डिवाइन इस मैच में मुझे लग रहा है अच्छा पॉइंट देंगी आपको। अमेलिया कर राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म लेग स्पिनर, 10 रन 0 विकेट 43 रन 0 विकेट 57 रन 1 विकेट 18 रन 0 विकेट, लास्ट मैच बैटिंग से तो पॉइंट नहीं दिया था लेकिन 2 विकेट लेके गई थी। हॉलीडे की बात करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, 51 रन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 17 रन, यहाँ पर 14 रन, कुछ बैटिंग से बॉलिंग से, हालांकि लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी इन्होंने। मैडी ग्रीन राइट हैंडेड बैटिंग, 2-30-5-0-5, खिलाड़ी अच्छी हैं यार, पॉइंट दे नहीं रही है इस वजह से इनके साथ हम नहीं जा सकते। प्लिमर की बात करेंगे, 29-3-7-1, लास्ट मैच बैटिंग नहीं आई। जेकर राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है, 3 विकेट, आखिरी 4 के 4 मैच में विकेट मिली नहीं है, बैटिंग से मौका मिल रहा है तो कुछ रन बना के आपको दे सकती है। इजी गे राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग, 12-0-4-0-8। हना रो की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, कंसिस्टेंट नाम। ली तहू राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 5 के 5 मैच में इकलौती खिलाड़ी है न्यूजीलैंड की तरफ से जो आपको हर मैच विकेट लेके जाती है। कस्परक की बात करेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, यहाँ पर 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट,
तो गाइस बाकी आप एक्स्ट्रा प्लेयर के भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे प्लेयर के, यहाँ पर आपको चेंजेस होते हुए न्यूजीलैंड में कुछ दिख सकता है काका प्लेयर का। अब यहाँ से फिक्स प्लेयर की बात करेंगे तो डिवाइन अमेलिया का ली तहुहु, ये तीन नाम फिक्स प्लेयर है, एकदम फिक्स है विमेंस के मैच में। गाइस देखो खेल आप ऐसा जो सोचोगे ना कि कोई अलग से कोई प्लेयर कुछ अलग करके जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सीवीसी का पूरा खेल हो जाता है यहाँ पर। मैक्सिमम टीम आपके सामने सेम आएगी, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो सारी टीमें सेम आएगी, सीवीसी का पूरा खेल होगा आपका, ठीक है। तो जिस तरह से बताया मैंने वैसे ही करना है यहाँ पर। अगर चौथा नाम मेरे हिसाब से अगर किसी के साथ जा सकते हो आप तो या तो सूजी बेट्स के साथ जाओ या हॉलीडे के साथ जाओ, ये दो सेफ ऑप्शन है, बाकी किसी के साथ कोई भी रिस्क लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। बात करेंगे न्यूजीलैंड मेंस की बॉलिंग ऑर्डर, तो पावर प्ले में बॉल डालेंगे ली तो हनारो जेकर, यहाँ पर सोफी डिवाइन, मिडिल ओवर में अमेलिया कर जेकर हनारो सोफी डिवाइन कास्परक और ब्रुक हॉलीडे, डेथ में बॉल करेंगे ली तो जेकर सोफी डिवाइन अमेलिया कर। हॉलीडे दो ओवर बैटिंग से पॉइंट दे सकती हैं, कास्परक के तीन से चार ओवर होंगे, अमेलिया कर चार ओवर फिक्स है इसीलिए ये खिलाड़ी भी फिक्स है, ली तो के चार ओवर फिक्स, खिलाड़ी फिक्स, हनारो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, जे कर तीन से चार ओवर बैटिंग भी, दोनों खिलाड़ी बैटिंग अच्छी कर लेती हैं, ये दोनों को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में शायद जगह ना बने। सोफी डिवाइन फिक्स प्लेयर, तीन से चार ओवर और ओपन करने आएंगी। तो ये आपकी होगी न्यूजीलैंड मेंस की बॉलिंग ऑर्डर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पर गाइस विनिंग प्रोबेबिलिटी की, तो जो कंडीशन है जो सारा हमने जिस तरह से ओडीआई सीरीज में देखा, यहाँ टी20 में भी देख रहे हैं, पहले दोनों मैच जिस तरह से इंग्लैंड विमेंस का पूरा दबदबा रहा है यहाँ पर, तो मेरी ओपिनियन यहाँ पर इंग्लैंड विमेंस के साथ है कि इस मैच को जीतने वाली है। रीसेंट परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, पाँच के पाँचों मैच जीती है न्यूजीलैंड विमेंस ने, आखिरी पाँच में एक मैच जीता है, लास्ट चार मैच कंटिन्यूसली हार रही है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? अगर आप अमेलिया करके बहुत बड़े फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या न्यूजीलैंड विमेंस इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि गाइस देखो क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से क्रिकेट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलने वाली बात है, बाकी बात करेंगे इंग्लैंड विमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड विमेंस प्लेइंग 11 2024 इंग्लैंड विमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड विमेंस बेस्ट टीम टुडे, विकेट कीपर में एमी जोन्स, बैटर्स में डेरी वॉट, ऑलराउंडर में साइवर ब्रंट, सोफी डिवाइन, अमेलिया कर, एलिस कैप्सी एंड सी डीन। बॉलिंग की बात करेंगे तो सोफी एक्लेस्टन, ली तहुहु, सारा गेन एंड लॉरेन बेल, यही होगी हमारी प्लेइंग 11। यहाँ पर कैप्टेंसी का फर्स्ट ऑप्शन है साइवर ब्रंट, वीसी के लिए अमेलिया कर, आप इसको वही से वर्षा भी कर सकते हो, और अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग आएगी कैप्टेंसी बना दो यहाँ पर सोफी एक्लेस्टन कैप्टन, वीसी आप साइवर ब्रंट या सी डीन के साथ भी जा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी सेम टीम के साथ जाओगे इस मैच में आप 60-70% कॉन्टेस्ट इसी टीम के साथ जीत जाओगे बिना कोई कंफ्यूजन के, ये बात आप लिख के ले सकते हो। और अगर ग्रैंड लीग की बात करेंगे हम कि ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है, तो जीएल में लॉरेन बेल, सोफी डिवाइन, ली तो एंड डेनी वॉट को ट्राई करो, सीवीसी का सेफ ऑप्शन हमारे पास साइबर ब्रंट, अमेलिया कर, एक्लेस्टन एंड सी डीन एकदम सेफ ऑप्शन है। 8 फिक्स प्लेयर मैंने दिए हैं आपको, इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि किसको किसको और ट्राई करना है, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल, ये सब किसी को ड्रॉप नहीं करना है। ग्रैंड लीग में सूजी बेट्स हम ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा कैप्सी एक अच्छा ऑप्शन, वहाँ पर गेम चेंजिंग प्लेयर हो सकती हैं, या अगर सोफी डिवाइन इस मैच में कैप्टेंसी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं जो ग्रैंड लीग में हो सकता है। तो ऐसे कुछ नाम हैं जिनको आप ग्रैंड लीग में हनारो जेकर आप रोटेट करके ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के फिक्स प्लेयर और यहाँ पर सीवीसी के ऑप्शन भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया गाइस। और हमारी फाइनल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पे, तो जिसने जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको भी मेरी तरह लगातार विनिंग करनी है और विनिंग देखनी है तो जाके हमारा टेलीग्राम चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन सी महिला खिलाड़ी बनने वाली है, सबसे ज़्यादा पॉइंट आपकी टीम में कौन सी प्लेयर देगी, और इसके साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको कर देना है। ये थोड़ा टफ देखो रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैक्सिमम लोग एक्लेस्टन सोचेंगे, लेकिन हो सकता है एक्लेस्टन से ज़्यादा विकेट कोई और प्लेयर ले जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कि सबसे ज़्यादा विकेट इस मैच में कौन लेने वाला है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करके हैशटैग लगा देना ENGW वर्सेज NZW, इंग्लैंड विमेंस वर्सेज न्यूजीलैंड विमेंस, हैशटैग लगा के दोनों क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम बात करेंगे इंडिया जिम्बाब्वे के चौथे T20 मैच के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और यहाँ पर टेलीग्राम पे फाइनल टीम के लिए जुड़ जाना है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।